बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। ऑल फॉर यू कुकिंग एंड ब्लॉग के किचन में खुशामदीद। आज मैं बना रही हूँ माश की दाल। ये आम माश की दाल से बहुत हटकर है। पहले मैं बहुत सारी रेसिपीज दे चुकी हूँ माश की दाल की, बहुत सारे तरीकों से बनाई जाती है, बहुत फेवरेट है सबकी। आज की रेसिपी सबसे अलग है। तो आज की एक पाव दाल मैंने माश की भिगोई हुई थी 2 घंटा पहले से, और इसको जो है ना मैंने बॉईल होने के लिए रखा है। इसमें मैंने डाला है तकरीबन 1.5 गिलास पानी। साथ में मैं डाल रही हूँ 1/2 चम्मच नमक, और मैं इसमें डालूंगी दूध 1/2 कप, क्योंकि ये दूध से बनेगी और बहुत ही ज़बरदस्त बहुत मज़ेदार दाल तैयार होगी ये। तो मैं इसमें 1/2 कप जो है ना वो मैंने दूध शामिल कर दिया है, और इसको हम बॉईल करेंगे अच्छे तरीके से। इसको पूरी तरह गलाएंगे इसको, लेकिन इसको दाल को घुलना नहीं चाहिए। और साथ ही मैं इसका मसाला यहाँ पर तैयार कर लेती हूँ ताकि वीडियो ज़्यादा लेंथी ना हो जाए। आप लोग लेंथी वीडियो ज़्यादा पसंद नहीं करते, और प्लीज़ वॉच टाइम पूरा करने में मदद करें, लाइक कमेंट शेयर करें लाजमी। और दाल को घी में बनाइएगा या मक्खन में बनाइएगा तो बहुत ज़बरदस्त बनती है। तो मैं घी में बना रही हूँ दाल को, तो मैं घी डाल रही हूँ। थोड़ा सा ज़्यादा घी जाएगा, तकरीबन 1 कप के करीब घी है इसमें। तो जितना ज़्यादा आप घी या मक्खन में बनाएंगे तो आपकी दाल जो है बहुत टेस्टी बनेगी। थोड़ा सा प्याज शामिल करूँगी, तो बिल्कुल एक छोटी सी प्याज है जो मैंने ब्राउन होने के लिए रखी है। ज़्यादा प्याज मैं इसमें शामिल नहीं करूँगी। प्याज हो गई है ब्राउन, प्याज को हमने हल्का सा ज़्यादा ब्राउन किया है, और इसमें 1 खाने का चम्मच जो है वो लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर दिया। एक मिनट तक इसका कच्चापन ख़त्म कर लेंगे। बड़ी अच्छी खुशबू आती है जब लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करते हैं। तो वीडियो को प्लीज़ एंड तक देखा करें ताकि मेरा वॉच टाइम पूरा हो जाए, मेरी मेहनत वसूल हो जाए, मेरा चैनल मोनेटाइज नहीं हो रहा वॉच टाइम की वजह से। प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर लाजमी किया करें, लाइक का बटन तो लाजमी दबाया करें, ठीक है। और चैनल पे नहीं है जो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि वीडियो अपलोड होने के बाद नोटिफिकेशन मिले। आप लोग वॉच करें, उसको लाइक करें, शेयर भी करें, फिर मुझे कमेंट भी करें, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने टमाटर का पेस्ट बनाया हुआ है, 2 अदद टमाटर है मैंने पेस्ट बना लिया, तो मैं यहाँ पर ये शामिल कर रही हूँ। पेस्ट जो है वो मैं इसमें शामिल कर दूंगी, और इसको थोड़ा सा इसका पानी खुश्क होने तक हल्का सा इसको थोड़ा सा नरम करेंगे। वैसे तो ये नरम है क्योंकि इसका पेस्ट बनाया हुआ है। टमाटर मसाले शामिल करते हैं, तो नमक तो हमने 1/2 चाय के चम्मच पहले ही दाल में शामिल किया हुआ है, और हल्दी पाउडर 1/2 चाय के चम्मच, नमक भी मैंने यहाँ 1/2 चाय के चम्मच लिया है, आप अपनी मर्ज़ी से भी ले सकते हैं। ज़ीरा 1/2 चाय के चम्मच, कलौंजी 1/2 चाय के चम्मच से थोड़ी कम, 1 चाय का चम्मच लाल मिर्च का पाउडर, क्योंकि हमने बाद में इसमें काली मिर्ची भी शामिल करनी है, तो इसलिए, वरना आप अपनी मर्ज़ी से ले सकते हैं। अजवाइन मिल रही है थोड़ी सी, बड़ा अच्छा टेस्ट आएगा। तमाम पाउडर मसाले शामिल कर देते हैं, अच्छे से भुनाई कर लेते हैं। साथ में देखिए हमारी दाल भी बॉईल हो रही है। यहाँ पर दाल हमारी तैयार हो गई है, इसमें दूध और पानी जो था वो खुश्क हो चुका है, और यहाँ पर हमारा मसाला भी रेडी है। तो हम दाल जो है वो उठाकर मसाले में शामिल कर देते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दाल को टूटना नहीं चाहिए, बहुत ज़्यादा गलना भी नहीं चाहिए, बस हल्की सी जो है दाल जैसे गलती है वैसे दाल होनी चाहिए। अब हम यहाँ पर फ्लेम कर देंगे हाई, और जो इसका थोड़ा सा पानी है वो हाई फ्लेम में हम पकाएंगे। साथ में इसमें कुछ मसाले भी शामिल करेंगे। मसालों में हम कुटा हुआ धनिया शामिल करेंगे 1 चाय का चम्मच, जीरा पाउडर 1/2 चाय की चम्मच से थोड़ा ज़्यादा 1/2 चाय की चम्मच, काली मिर्च बहुत अच्छा टेस्ट आएगा 1 चाय का चम्मच, कसूरी मेथी, तमाम चीज़ें शामिल कर देते हैं, ठीक है। और दाल को आपने इस तरीके से घुमाना है, ठीक है, इस तरीके से, ये देखिए ऐसे। साथ ही 2 अदद हरी मिर्ची भी शामिल कर देते हैं, काट के डालना चाहें तो काट के भी डाल सकते हैं। कुछ देर हम दम पे रखेंगे, लेकिन पहले गरम मसाला शामिल कर देते हैं। 1 चाय का चम्मच इसमें डालेंगे गरम मसाला पिसा हुआ, और ये मेरा होममेड गरम मसाला है, इसकी रेसिपी अनकरीब आपको मिलेगी। और 1 अदद लीमू का रस जो है वो हम निचोड़ देते हैं इस पर, ठीक है। बड़ी स्पाइसी सी दाल है ये हमारी, बहुत मज़ेदार बनेगी इंशाल्लाह, दूध वाली दाल ये। और आप घी की जगह मक्खन का इस्तेमाल करेंगे तो ज़्यादा अच्छे रिज़ल्ट आएंगे, बहुत मज़ेदार होगी।
और इसको हम रख देते हैं दम पे। हम इसको मिक्स बाद में करेंगे, 2 से 3 मिनट हम दम पे रखेंगे बिल्कुल स्लो फ्लेम पर, दम वाली फ्लेम पे। फिर मैं आपको इसको सर्व करके दिखाती हूँ। जी तो अल्हम्दुलिल्लाह, देखिए हमारी दूध वाली माश की दाल जो है वो रेडी हो गई है, और कितनी आसानी से बनी और कितनी ज़बरदस्त लग रही है, बहुत मज़ेदार है, बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है। तो आपको आज की रेसिपी कैसी लगी? अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर कीजिए, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, और मेरी हौसला अफजाई के लिए मुझे कमेंट लाजमी किया करें, लाइक का बटन भी दबा दिया करें, और इसके अलावा वॉच टाइम पूरा करने में मदद करें मेरी। और मेरी बार बार रिक्वेस्ट होती है आपसे, इसीलिए मैं जो है वो बार बार आपको बताती रहती हूँ कि मेरा वॉच टाइम नहीं पूरा हुआ। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।